अगर आप लोग अपने SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज यानी कि अपडेट करना चाहते हैं विदाउट ब्रांच विजिट किए घर बैठे ही, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा आप किस तरीके से घर बैठे ही SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज यानी कि अपडेट कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं और इसके लिए आपको ब्रांच एक बार भी जाना नहीं पड़ेगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा, इन दोनों स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज यानी कि अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपके SBI अकाउंट से जो मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है वह मोबाइल नंबर आपके पास होना अनिवार्य है और साथ ही एक्टिव होना चाहिए, बंद पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो नया मोबाइल नंबर रजिस्टर करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, वह मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए और प्लस में एक्टिव होना चाहिए, तभी आप लोग अपने SBI अकाउंट में नए मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अब जो प्रोसेस है इसको सही तरीके से समझ लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको SBI इंटरनेट बैंकिंग में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद माय अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल, ये रहा प्रोफाइल का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है बट काफ़ी नॉलेजेबल होगा, काम का होगा, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर से एक ऑप्शन दिखेगा माय प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपके SBI अकाउंट का, आपका नाम, आपका एड्रेस, पिन कोड, सब कुछ, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो किया हुआ है पहले से, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आ जाना है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट से ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, चेंज मोबाइल नंबर थ्रू ब्रांच। अगर आप ब्रांच विजिट करके मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना ब्रांच विजिट किए करना चाहते हैं अपने SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को अपडेट या चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ओनली थ्रू ATM, ओके, सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एंटर न्यू मोबाइल नंबर। यहाँ पर दोनों बॉक्स में आप वो मोबाइल नंबर डालिए जिसको आप लिंक करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नया मोबाइल नंबर दोनों बॉक्स में सेम मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से एक मैसेज शो होगा आपको, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, सेट द मोड टू अपडेट द मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप सही तरीके से देख लीजिए, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, IRATA, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल थ्रू ATM। ठीक है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा। ओके, सेलेक्ट द अकाउंट फॉर विच यू प्रोसेस द डेबिट कार्ड, मतलब कि आपको अगर आपके केस में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पर वही अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए होगा क्या, अगर आप इस प्रोसेस की हेल्प से मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहेंगे तो आपको इसके लिए ATM मशीन पे के पास जाना होगा, SBI के ATM मशीन में जाना होगा और वहाँ पर आपको ATM कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस अकाउंट का ATM कार्ड आपके पास अवेलेबल है उसी अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, ATM कार्ड, उसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कार्ड डिटेल्स डालना होगा, जैसे कि कार्ड नंबर तो आपका आ चुका है, यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर नेम, यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट और जो ATM कार्ड का पिन है यहाँ पर डाल दीजिए और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक
कर देना है। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। स्टेटस सक्सेस दिखाया जाएगा और टाइम ऑफ इतना वैलिडेशन सब कुछ हो चुका है। अब आपको सिंपल करना क्या है, आगे का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डियर कस्टमर यूज IRTA नंबर इतना एट एनी SBI ATM, मतलब कि अब आपको IRTA का रेफरेंस नंबर आपको मिल चुका है आपके मोबाइल पर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग मोबाइल नंबर विद अस, द स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सेलेक्टेड बाय यू, ठीक है। तो इतना आपको करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। इतना तो आपको यहाँ पर मोबाइल पर कर ही लेना है SBI इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अब आपको आगे का जो प्रोसेस करना है वो SBI ATM मशीन के पास जाकर के करना है, मतलब कि अगर आपके आसपास कोई SBI का ATM मशीन है तो वहाँ पर आप जाइए। उसके बाद यहाँ पर यानी कि ATM मशीन पर आपको अपना डेबिट कार्ड ATM कार्ड स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा IRATA, ठीक है ना, IRATA, उसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सारे स्टेप को इनपुट कर रखा है, यहाँ पर टाइप कर रखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सके, अदरवाइज आपको हो सकता है बाद में याद ना रहे। ओके, तो आप इसका वीडियो को स्किप करके यानी कि पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आपको ATM मशीन के पास जाना है और वहाँ पर आपको करना क्या है, अपने कार्ड को स्वाइप करना है। तो वहाँ पर आपको IRATA रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में, तो वहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है, ठीक है। आपको मैसेज के थ्रू मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा रेफरेंस नंबर। उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ATM मशीन में। उसके बाद वहाँ पर आपको ATM पिन डालना होगा, वहाँ पर पूछा जाएगा इनपुट योर ATM पिन, तो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर आएगा अदर्स का ऑप्शन, आप अदर्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आपको बोला जाएगा इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल, उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे ही इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आएगा ना, तो नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, तो आप प्रोसीड या कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको दोबारा से पूछा जाएगा इनपुट द 10-digit रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो मैसेज के माध्यम से 10-digit का रेफरेंस नंबर मिला है वो आपको डाल देना है और फिर से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ पर टाइम लिया जाएगा कुछ सेकेंड का, और वहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो जाएगा सक्सेसफुल का, मतलब कि आपका जो वैलिडेशन है वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप उतना प्रोसेस करते हैं उसके बाद कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर, वैसे टाइम का कोई लिमिट नहीं है कि इतना देर में आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ 5 मिनट में भी आपका मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है आपके इंटरनेट बैंकिंग में भी और प्लस आपके अकाउंट में भी, ठीक है ना। दोनों जगह आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो जाएगा तुरंत के तुरंत। ओके, इन सारे प्रोसेस को आपको करना ही होगा। पहले क्या था कि आप OTP के माध्यम से घर बैठे ही बिना ब्रांच बिना ATM विजिट किए अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते थे, बट अब जो है प्रोसेस चेंज कर दिया गया है, यानी कि OTP का जो ऑप्शन है उसे हटा दिया गया है SBI इंटरनेट बैंकिंग से, जिसके लिए आपको ATM ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, यानी कि ब्रांच बैंक तो नहीं जाना होगा लेकिन ATM विजिट आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोनों मोबाइल नंबर की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ेगी, यानी कि पुराना मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए और नया मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए और दोनों एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए। वो इसलिए कि आप SBI इंटरनेट बैंकिंग में जब लॉगिन करेंगे तो आपके पुराने मोबाइल नंबर पर जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वहाँ पर आपको OTP मिलेगा, उस OTP को वहाँ पर डालना होता है। तो अगर एक्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा, OTP नहीं आएगा, तो भाई आप लॉगिन कैसे करोगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मोबाइल नंबर है पुराना वाला वो भी आपके पास और एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए। इतना करने के बाद आप अपने SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को इमीडिएटली चेंज यानी कि अपडेट कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं और बता दूं, अगर आपने अभी तक SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को एक भी मोबाइल नंबर को लिंक किया ही नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। विदाउट ब्रांच विजिट किए, ठीक है ना, आप अपने SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को लिंक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट आप इस माध्यम से कर सकते हैं लेकिन आप लिंक नहीं कर पाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम लिंक करना चाहते हैं तो। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी अपने SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज अपडेट कर पाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर आपको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।